19 जनवरी यानी आज का दिन इतिहास में खास महत्व रखता है। आज के दिन कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। आज ही के दिन 1597 में मेवाड़ के राजपूत राजा राणा प्रताप सिंह का निधन हुआ था। आज ही के दिन 1649 में इंग्लैंड नरेश चार्ल्स प्रथम के खिलाफ मुकदमा शुरू हुआ था। आज ही के दिन 1668 में किंग लुईस 14वें तथा सम्राट लियोपोल्ड प्रथम ने स्पेन के बंटवारे को लेकर समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। आज ही के दिन 1839 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने यमन के शहर अदन को जीत लिया था। आज ही के दिन 1905 में ब्रह्म समाज की स्थापना और शांति निकेतन की नींव डालने वाले देवेंद्र नाथ बाबू का जन्म हुआ था। आज ही के दिन 1905 में बांग्ला साहित्यकार देवेंद्र नाथ टैगोर ने आखिरी सांस ली थी। आज ही के दिन 1919 में मशहूर उर्दू शायर कैफी आजमी का जन्म हुआ था। आज ही के दिन 1966 में कांग्रेस पार्टी ने भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए इंदिरा गांधी को अपना नेता चुना था। आज ही के दिन 1990 में भारतीय विचारक और धर्मगुरु आचार्य रजनीश का निधन हुआ था। आज ही के दिन 1995 में हिंदी साहित्यकार उपेंद्र नाथ अशक का देहांत हुआ था। आज ही के दिन 2005 में सानिया मिर्जा लॉन टेनिस के ऑस्ट्रेलिया ओपन के तीसरे दौर में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। आज ही के दिन 2007 में जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार ओमान के सुल्तान काबूस बिन सैयद बिन तैमूर अल सैयद को प्रदान करने का फैसला किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, D5 चैनल, हिंदी।